समन्स आ रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कॉपरेट किया है, सहयोग किया है। लेकिन जो देश में माहौल है, आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आज दिल्ली में सीबीआई ने पूछताछ की। तेजस्वी से नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलते ही बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है, फिलहाल देश में ताजा हालात ऐसे हैं जिससे लड़ना कठिन है, बावजूद इसके हमने झुकना नहीं बल्कि लड़ना पसंद किया है। आप सुने क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव? सम्मान्स आ रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कॉपरेट किया है, सहयोग किया है। लेकिन जो देश में माहौल है, आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की बड़ी बहन और राजद सांसद मिसा भारती से भी पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समक्ष उन्हें पेश होना था। अब तक की जानकारी के अनुसार राजद नेता मीसा भारती भी ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद रवाना हो गई हैं नौकरी के लिए। जमीन मामले में ही पूछताछ के लिए मीसा भारती ईडी के सामने पेश हुई थी। तो बता दें आपको कि जिस तरह से मौजूदा हालात बने हैं वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए एक बड़ी मुश्किल बनकर सामने आई है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें इनके सामने झुकना नहीं बल्कि लड़ना पसंद है, साफ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव। आप उनके बयान जरा एक बार फिर से सुने।